जब आप हावड़ा मैदान से आते हैं, पहले हावड़ा स्टेशन जो कि इंडिया का एक बड़ा स्टेशन है, उसके बाद नदी के नीचे से आते हैं इस पार कलकत्ता। हम यहाँ से पानी के नीचे, इसीलिए भीतर से सजाया गया है और वो भी जबरदस्त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मैं हूँ संजीव और आप देख रहे हैं देश दुनिया देख। और अभी मैं हूँ सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यह है धर्मतल्ला, मतलब एस्प्लानेड। और आज यहीं से उद्घाटन हुआ है नए मेट्रो का, जिसका उद्घाटन आज सुबह सुबह हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। पुराना स्टेशन यहां पे सामने आप देख सकते हैं और नया स्टेशन ठीक सामने। तो चलिए शुरू करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। उद्घाटन हो चुका है और यह है गेट। और भाई साहब जबरदस्त, सामने एस्प्लानेड मेट्रो ग्रीन लाइन, या कह सकते हैं ईस्ट वेस्ट मेट्रो। और भाई देख लीजिए, बहुत ही बड़ा कटआउट प्रधानमंत्री का लगाया गया है यहाँ पे। और भाई भीड़ देखिए, जबरदस्त भीड़। और यहीं पे उद्घाटन हुआ, सामने आप देख सकते हैं मेट्रो का एंट्री गेट सामने है। और भाई मीडिया का जमावड़ा देखिए यहाँ पे, जबरदस्त जबरदस्त। अब हम चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं आपको कि स्टेशन कैसा है, सारी फैसिलिटीज़ कैसी हैं। और भाई इंटर करता ही आपको राइट साइड में आपको लिफ्ट मिलेगा। देखिए लोग वेट कर रहे हैं लिफ्ट का। बाकी हम चलते हैं सीढ़ियों से या एक्सेलेटर से। और भाई एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए बड़े बड़े ग्लास लगाए गए हैं ट्रांसपेरेंट, जिससे रोशनी ऐसे ही आती है दिन में। और भाई देखिए, हम आ गए एस्प्लानेड मेट्रो के स्टेशन में। और सामने आप देख सकते हैं चौरंगी की तरफ जो है एग्जिट है, और सामने एक्सेलेटर लगे हुए हैं, सीढ़ियां हैं, और सामने आपको टिकट काउंटर और वेंडिंग मशीन दोनों मिलेगी। और यहाँ पे दो दो वेंडिंग मशीन लगाई गई है, जहाँ से अपनी टिकट परचेज कर सकते हैं या स्मार्ट कार्ड अपना रिचार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टिकट काउंटर तो है ही। चलिए एक बार अंदर चलें। कस्टमर केयर यहाँ पे मौजूद है, आपको ट्रेवल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी लिफ्ट मौजूद है, जहाँ से आप नीचे प्लेटफॉर्म की तरफ जा सकते हैं। पब्लिक टॉयलेट बने हुए हैं। और आप जैसे ही आगे आएंगे, आपको सामने लेफ्ट की तरफ ब्लू लाइन मेट्रो मिलेगी, जो कि नॉर्थ साउथ मेट्रो है। और राइट साइड में जब आप आएंगे तो आपको ग्रीन लाइन मेट्रो मिल जाएगी, जिसका उद्घाटन आज हुआ है। और दोनों मेट्रो यहाँ पे इंटरकनेक्ट है, मतलब कि आप सामने जाएंगे तो ब्लू लाइन और लेफ्ट जाएंगे तो ग्रीन लाइन। चलिए हम ग्रीन लाइन में चलेंगे, आपको ब्लू लाइन में भी ले चलेंगे, बाकी पहले ग्रीन लाइन में चले। और भाई जबरदस्त सजाया गया है, और भाई गजब की कलाकारी यहाँ पे स्टेशन पे आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही हाईटेक, बहुत ही भव्य। यहाँ पे आने के बाद फिर आपको और भी नीचे जाना पड़ेगा प्लेटफॉर्म के लिए। यह भी कॉन्कोर्स एरिया है, सामने वहाँ पे पूरे स्टेशन का कंट्रोल रूम वहाँ पे मौजूद है। और भाई हम आ गए हैं अब प्लेटफॉर्म पे। और भाई सामने दोनों तरफ देखिए दो दो मेट्रो खड़ी हैं। यह मेट्रो जाने के लिए रेडी है और अब हम इसकी लेंगे राइड। और इस मेट्रो में भाई आपको चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाएंगे, ट्रेवलिंग के दौरान आप अपने मोबाइल लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। और भाई क्या सजाया है, दुल्हन की तरह सजा दिया है भाई। बाहर से इस मेट्रो को नहीं सजाया जा सकता, क्योंकि सारे स्टेशन जिनका इनॉग्रेशन हुआ है, उद्घाटन हुआ है, अंडरग्राउंड है, इसीलिए भीतर से सजाया गया है और वो भी जबरदस्त। सामने जो है सॉल्ट लेक सेक्टर 5 की तरफ यह रास्ता जाता है, और इधर जाएंगे तो आप हावड़ा मैदान की तरफ चले जाएंगे। और एक खासियत मैं आपको दिखाता हूँ कि यह मेट्रो के जो प्लेटफॉर्म है दोनों तरफ है, मतलब कि देखिए मैं इधर से चढ़ा और इधर से उतर गया और दोनों तरफ ही प्लेटफॉर्म है। और भाई देख लीजिए जबरदस्त भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। ट्रेन में स्टाफ और मीडिया का भाई जमावड़ा है, और बहुत ही सुंदर सजाया गया भाई, बहुत ही सुंदर। आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मेट्रो हावड़ा मैदान से लेकर सॉल्ट लेक सेक्टर 5 तक जाएगी। हम हैं अभी एस्प्लानेड, ट्रेन चलने के लिए रेडी है। और मैं आपको एक बार केबिन का व्यू दिखा देता हूँ। यह जो सामने यह रास्ता सीधे हावड़ा मैदान की तरफ जाता है। और भाई डोर क्लोज है, और हो गए हैं गेट क्लोज, और अब हमारी मेट्रो चलने के लिए है तैयार।
और आपको दिखा देता हूँ कि यह कहाँ कहाँ पे रुकेगी। हम हैं अभी एस्प्लानेड में, अगला स्टेशन महाकरण, उसके बाद हावड़ा मेट्रो, मतलब कि हावड़ा स्टेशन है ये सबसे बड़ा चीज़ है ये। और इस स्टेशन के बारे में मैं आपको बहुत सारी खासियतें हैं जो कि रास्ते में बताऊंगा। और उसके बाद फाइनल हावड़ा मैदान, यहाँ भी ज़बरदस्त जयकारा लगाते हुए लोग। और भाई देखिए, देखते ही देखते हम लोग पहुँच गए महाकरण। केवल भाई दो मिनट लगे। अब हम पानी के ठीक नीचे पहुंच चुके हैं, ब्लू लाइट इंडिकेशन है, नदी के नीचे से गुजर रहे थे। नदी के नीचे आने पे थोड़ी सी स्पीड कम कर दी गई है, और भाई ऐसा महसूस हो रहा है कि हम सचमुच नदी के नीचे से जा रहे हैं, मतलब कि साथ में पानी दिखाई दे रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। यह पानी नहीं है, यह लाइटिंग है। और भाई पार कर गए, मुश्किल से 40 से 45 सेकंड लगता है नदी को पार करने में। पहुंच गए हैं हावड़ा, और यह हावड़ा स्टेशन लगभग 30 मीटर नीचे है जमीन से, और यह इंडिया का सबसे गहरा स्टेशन है। हावड़ा स्टेशन से अब ट्रेन हमारी बैक जा रही है इस प्लानेट की तरफ, और देख लीजिए भाई बिल्कुल हाईटेक पैनल, यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं भाई, ज़बरदस्त सीसीटीवी की फैसिलिटीज़ है। और यह टोटल प्रोजेक्ट जो है 4000 करोड़ का है। और अब नीली लाइट चालू हो गई, मतलब हम यहाँ से पानी के नीचे। और भाई बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया, इतना खूबसूरत लगता है भाई, ऐसा महसूस होता है कि हम सचमुच में पानी के नीचे गुजर रहे हैं। दोनों साइड में मछली बनाया हुआ, मछली छोटी ड्राइंग आता हुआ, गंगा का नीचे जो गाछ पला है, पत्थर है, अच्छा अच्छा, उसका ड्राइंग कर रहा था। अंडर वाटर जो भी चीजें हैं उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। यह जो सुरंग आप देख रहे हैं, इस तरह की पैरेलल सुरंग है, दो सुरंग है, ईस्ट बाउंड टनल और वेस्ट बाउंड टनल, जिसमें से एक अप एंड एक डाउन ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज की जाएगी। और चलिए अब हम आ गए हैं महाकरण, आप देख सकते हैं महाकरण स्टेशन। और आज बंगाल ने एक इतिहास रचा गया था 1984 में, जब भारत की पहली मेट्रो चलाई गई थी। और आज फिर इतिहास रचा, क्योंकि अंडर वाटर मेट्रो इंडिया में पहली बार चलाई गई है, और वो भी कोलकाता में। तो हम कोलकाता वाले इतिहास रचने में माहिर हैं। और इसके बाद हम इन कर रहे हैं इस प्लानेट। भाई हमारी राइड होती है समाप्त, हम पहुंच गए वापस इस प्लानेट। आज पहले दिन, उद्घाटन के दिन जर्नी करके बहुत मजा आया। हालांकि ट्रेन बीच वाले स्टेशन पे नहीं रुकी, लेकिन फिर भी भाई बहुत मजा आया। इनॉग्रेशन के दिन जर्नी करने का भाई एक अलग ही मजा है। सामने वो जगह देख सकते हैं जहाँ पे स्टेज बना था, जहाँ से प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था इस मेट्रो का। 15000 करोड़ रुपए से अधिक मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन आज हुआ है, 6 मार्च 2024 को। आप लोग अगर सोच रहे हो कि अगर मैं ग्रीन लाइन मेट्रो में सफर करता हूँ हावड़ा से लेकर एस्प्लानेड तक, तो फिर मुझे ब्लू लाइन पकड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, स्टेशन से क्या बाहर निकलना पड़ेगा, तो जी नहीं, आपको बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेशन में ही आपको ब्लू लाइन के गेट आपको दिख जाएंगे। ब्लू लाइन में जाने के लिए आपको रास्ता मिल जाएगा, इस तरह की सीढ़ियाँ भी और इस तरह के एक्सलेटर भी यहाँ पे बने हुए हैं। ऊपर चलें और आपको दिखाएं कि ऊपर क्या क्या है। और भाई बंगाल की झांकी आपको स्टेशन पे भी दिखेगी, ट्राम लाइन, पीली टैक्सी, वाटरवेज, काफ़ी गहराई में मेट्रो का प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर कौन कौन से एरिया। ऊपर आएंगे तो फिर यह ब्लू लाइन मेट्रो पकड़ने के लिए इधर से आपको रास्ता मिलेगा। आपको एक खास बात बता दूं कि अगर आप ईस्ट वेस्ट मेट्रो में आते हैं, मतलब हावड़ा से एस्प्लानेड तक आते हैं, तो आप ये ना सोचें कि फिर मुझे निकल के दूसरी टिकट कटानी पड़ेगी। आप एक बार टिकट कटाइए, और क्योंकि यह मेट्रो अब एस्प्लानेड में ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ दोनों मेट्रो कनेक्ट हो चुकी है, आप कहीं भी जा सकते हैं। और उसके चार्जेस क्या क्या हैं आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं कि यहाँ से हावड़ा मैदान का, मतलब एस्प्लानेड से हावड़ा मैदान का किराया 10 रुपया, हावड़ा का किराया 10 रुपया, महाकरण 5 रुपया, दक्षिणेश्वर 20 रुपया, और बाकी आप स्क्रीन पॉज कर देख लेना कहाँ के क्या क्या चार्जेस है। एक मैप है जहाँ पे इस मेट्रो की सारी जानकारी दी गई है कि कहाँ से कहाँ यह मेट्रो जा रही है। जैसे कि हम अभी एस्प्लानेड में है, हावड़ा मैदान से लेकर एस्प्लानेड का सेक्शन
चालू हुआ है। आपको दक्षिणेश्वर जाना है, मतलब माँ काली के दर्शन करने हैं, या आपको जाना हो कवि सुभाष साउथ में जाना हो या नॉर्थ में जाना हो, आपको आना है एस्प्लानेड में, आपको चेंज करना है एस्प्लानेड से। फिर आप ब्लू लाइन पकड़ के आप चाहे तो दमदम की तरफ जा सकते हैं जहाँ पे एयरपोर्ट है कलकत्ता का, और या तो आप चाहें तो नॉर्थ कलकत्ता या साउथ कलकत्ता, दोनों जगह आप यहाँ से जा सकते हैं। और यह एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है, आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। आप हावड़ा में मेट्रो में चढ़ेंगे और उसके बाद आप साउथ कलकत्ता या नॉर्थ कलकत्ता इजीली जा सकते हैं। एस्प्लानेड से लेकर सियालदह तक का काम बाकी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। सियालदह से लेकर सेक्टर 5 तक का ऑलरेडी ऑपरेटेड है, केवल 20 का सेक्शन बाकी है। और यह जब चालू हो जाए फिर तो मजा ही आ जाएगा। ईस्ट वेस्ट मेट्रो की जर्नी कर ली, इनॉगरल जर्नी, और अब हम चलते हैं ब्लू लाइन की तरफ। आप कैसे जाएंगे यहाँ से आगे की तरफ, चलिए मैं भी कोशिश करता हूँ आगे चलने की। इस सबवे के जरिए दोनों मेट्रो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप इस टनल से आएंगे, सबवे से आएंगे, आपको यहाँ पे ब्लू लाइन मेट्रो मिल जाएगी। और चलिए अब हम ब्लू लाइन की राइड लेते हैं जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है। अब हमारी ब्लू लाइन की मेट्रो आ रही है। आपने ग्रीन लाइन मेट्रो की राइड देख ली, अब हम देखेंगे ब्लू लाइन मेट्रो की राइड। एक मेट्रो वो आपने देखी, एक मेट्रो ये। चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी एक नए ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए देश दुनिया देख। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।